आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। हाफिज सलीम गुजरात से पूछते हैं, ज़्यादा तनख्वाह की खातिर मस्जिद बदलना। मैं एक मस्जिद में 2.5 साल से इमामत कर रहा हूँ, जहाँ सुबह शाम बच्चों को नाजरा भी पढ़ाता हूँ। यहाँ पहले मेरी तनख्वाह 6,000 थी, अभी 8,000 है। अभी एक यूनिवर्सिटी में मस्जिद में मुझे जगह मिल रही है, जहाँ 20 से 25,000 तनख्वाह मिलेगी और रिहाइश वगैरह की सहूलत भी है। तो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए मस्जिद छोड़कर जाना जायज़ होगा? भाई हाफिज़ सलीम गुजरात, इस ज़माने में आपको अगर 8,000 आपकी मस्जिद वाले दे रहे हैं तो मेरे ख्याल ये बड़े ज़ालिम हैं। 8,000 में तो इंडिया में भी मेरा ख्याल है गुजारा नहीं होता होगा। 2019 अगस्त के महीने में की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है जनवरी में हो जाता हो, लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है। आपकी मस्जिद वालों को चाहिए आपकी तनख्वाह बढ़ाएँ, नहीं बढ़ाते तो जहाँ 20,000 निकलें पतली गली से निकल लें आप। हाँ, ये एक अलग बात है कि वहाँ भी दीन के काम का मौका मिले, क्योंकि तनख्वाह असल नहीं है, आपने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ किया है, तो पहले दीन की खिदमत होनी चाहिए। अगर वहाँ ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है लेकिन दीन का काम आप नहीं कर सकेंगे, फिर ना जाएं आप, दीन को पहले फोकस करें। लेकिन नमाज़ यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी पढ़ाएंगे, वही 5 नमाज़ें यहाँ हैं, वही 5 वहाँ हैं, यहाँ बच्चों को नादरा पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको अगर पढ़ाने का मौका मिलेगा तो फिर आपके लिए पतली गली बेहतरीन रहेगी। निकलें और मस्जिद वालों को बताएँ कि भाई मैं, मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिल रही है, दीन की खिदमत तो जितनी यहाँ कर रहा हूँ वहाँ भी करूँगा। तो इससे हो सकता है आपके मस्जिद वालों ही को आप पर रहम आए और वो आपकी के वजीफे को बढ़ा दें। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।